एक आंदोलन अभी शुरू हुआ है गुंज के तरफ से, ग्राम स्वाभिमान। और ये स्वाभिमान के बाद वही सोच सकता है जो खुद स्वाभिमानी हो, क्या बोलना चाहेंगे इसके अंदर? है स्वाभिमानी तो है, मतलब अपनी शर्तों पे जीते हैं। और अभी कम से कम ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। और ये इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे माँ बाप का है, जो अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर और मदर अभी दोनों नहीं हैं, बट उन्होंने बहुत एक खुदारी से जीना सिखाया था। और ये सिखाया था कि अपनी शर्तों पे आप जियो, आपको किसी का बुरा नहीं करना है, आपसे भला हो पाए ना हो पाए बट किसी का बुरा नहीं करना है, और किसी की दादागिरी नहीं झेलनी है अपनी लाइफ में। भाई ठीक है, जो हमसे हो पा रहा है अपनी ज़िंदगी में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये पर्सनल जर्नी है, देखिए 22 साल अब गूंज को रन करते हुए हो गए और बहुत एक अच्छी टीम और हज़ारों वॉलंटियर्स जुड़े हैं और एक मूवमेंट की तरह उसने काम किया है, तो मुझे बहुत टाइम से ये किचिंग थी कि मुझे कुछ और एक साथ में करना है। मतलब साथ में करना पहले है आप कपड़े के लिए किए, फिर अभी हेल्थ सेक्टर में, वाटर रिजर्वेशन में, फिर आप अलग अलग सेक्टर में काम करो। कुछ लक्ष्य है, कुछ मंजिल है जहाँ तक पहुँचनी है? नहीं देखिए, हम लोग टारगेट फिक्स नहीं करते लाइफ में। हम कहते हैं हमारा पोटेंशियल क्या है, हम दिन में क्या कर सकते हैं, हमको वो करना चाहिए। और सच बात यह है कि हमारा जितना भी काम है, गूंज का भी यदि आप देखें, ग्राम स्वाभिमान तो एक अलग यात्रा है, मैं बात करूंगा उस पर, गूंज का जितना भी काम है वो सारा इंटर रिलेटेड है। जो सामान है, जो हम आज की डेट में करीब 6,000 टन ऑलमोस्ट 60 लाख किलो के आसपास सामान हैंडल करते हैं, क्लॉथ, यूटेंसिल, फुटवेयर, फर्नीचर, हर तरह का सेकेंड हैंड नया सामान, और वो विलेजेस तक जा रहे हैं। हमने उसको पानी से जोड़ा है, हमने उसको सड़कों से और हेल्थ से जोड़ा है। तो हम ये कह रहे हैं कि गांव में पोखर साफ हो सकते हैं, और जो हो भी रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, और उसका जो रिवॉर्ड का सिस्टम है वो पैसा ना होकर ये सामान हो सकता है। क्योंकि आप किसी को 2 पैंट ऐसे दे देते हैं और कल आप जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी है, तो वो कहेगा हाँ जी आपकी है, कुछ बोल नहीं सकता, वो मजबूरी है। फिर वो अपना पोखर पर काम करता है, अपनी सड़क बनाता है, आप कहते हैं मेरी है, वो बोलेगा आपकी होगी बट मैंने कमाई है। ये स्वाभिमान है, yes. ना, ये इज्जत है, क्योंकि जो चैरिटी पड़ता है। हाँ, चैरिटी जो है ना, चैरिटी देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन चैरिटी बहुत अच्छी चीज़ उसके लिए है जो कर रहा है और बहुत अच्छी इंटेंशन से कर रहा है। चैरिटी जो रिसीव कर रहा है उसको अच्छा नहीं लगता। किसको दान दक्षिणा में लेना अच्छा लगता है बताइए? हमको, हम अपने बच्चों के लिए बगल की आंटी यदि चॉकलेट देती है तो उसको मना कर देते हैं, जबकि वो आंटी हमारी नोन है, हमारी दोस्त हैं। हम अपने बच्चे को सिखाते हैं कि चॉकलेट मत लेना। तो खुद के चीज को खुद बोलने का तरीका गुंज ने शुरू किया है। हाँ, आपको कहना पड़ेगा, आपको आपको बोलना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ले दे के जो सबसे बड़ी चीज है, जो आपकी गॉड गिफ्टेड है, वो आपका स्वाभिमान है, वो आपकी इज्जत है, उसको बचाए रखना, उसको बनाए रखना, वो हम सब लोगों का काम है। और ये गलत सोच है कि यदि कोई इंसान सो कॉल्ड साफ कपड़े नहीं पहन रहा, क्योंकि साफ तो हमारी डेफिनेशन है ना, सो कॉल्ड कोई अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा, सो कॉल्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी हमारी डेफिनेशन है, उसको पजामा अच्छा लगता है तो उसके लिए वही अच्छा कपड़ा है, हम ये क्यों नहीं समझ रहे? एग्जैक्टली वो ये मत सोचिए, क्योंकि उस इंसान के पास भी उतनी खुददारी है, उसका भी दिल उतना ही है, बल्कि दिल उसका हमसे ज़्यादा बड़ा है बहुत सारे केसेस में। तो इसलिए उसका स्वाभिमान बचा रहना बहुत ज़रूरी है। आप उसको चैरिटी करके उसको मत दबाइए, उसको बार बार गरीब बेचारा बेसारा मत बोलिए, उसके हाथों में बहुत दम है। अभी हमारे एक साथी यही बोल रहे थे कि जब ये बेचारा वर्ड सब कुछ खत्म कर देता है, बेचारा वर्ड खत्म कर देता है। और एक बात ये बताइए ना, जो शब्द मुझे अपने लिए या अपने परिवार के लिए अच्छे नहीं लगते, अपने दोस्त के लिए अच्छे नहीं लगते, वो मैं समाज में कैसे बोल देता हूँ?